चयन परीक्षा से एक दिन पूर्व राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय व संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय ने मंगलवार को ऑनलाइन परीक्षा स्थगित कर दी है। हालांकि दोनों ही विश्वविद्यालयों ने परीक्षा स्थगित करने का कारण स्पष्ट नहीं किया, परीक्षा कब होगी इसकी कोई सूचना भी नहीं दी है। दरअसल वीवी ने कॉलेजों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे विद्यार्थियों को यूजर आईडी और पासवर्ड वितरित करें। वीवी प्रशासन ने सोमवार को पत्रक जारी किया था कि यूजर आईडी पासवर्ड कॉलेज के लॉगिन पर भेजे गए हैं। दूसरी तरफ प्राचार्य फोरम का आरोप था कि मंगलवार शाम तक कॉलेजों को विद्यार्थियों के यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं मिले हैं। गुरुवार से परीक्षा शुरू होने वाली थी और इतने कम समय में बगैर कर्मचारियों की मदद से परीक्षा व्यवस्थित ढंग से आयोजित करना संभव नहीं था, इसलिए वीवी प्रशासन ने अंतिम सत्र की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, एनबीसीएन न्यूज नागपुर। कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए मार्च महीने से बंद अपनी बस सेवा पूर्ववत बहाल करने की गतिविधियां अब शुरू हो चुकी है। मंगलवार को मनपा परिवहन समिति की बैठक में अपनी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। इससे पूर्व सभापति नरेंद्र बोरकर आयुक्त को 3 पत्र भेज चुके हैं। बोरकर ने कहा कि आयुक्त राधाकृष्णन बी के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी, संभवतः बुधवार को ही आयुक्त और सभापति की इस विषय पर चर्चा हो सकती है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, धीरे धीरे निर्बंध शिथिल किए जा रहे हैं। राज्य मार्ग परिवहन निगम की बस सेवा पूर्ववत शुरू हो चुकी है। 100% आसन क्षमता के साथ बस में यात्रियों को बैठने की अनुमति दी गई है। उसी तर्ज पर मनपा की आपली बस सेवा बहाल करने का परिवहन समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आसन क्षमता के 50% यात्रियों को बैठने का निर्णय लिया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक उपाय योजना कर दिशा निर्देश दिए गए। सीट का क्रॉस, एक सीट छोड़ के एक सीट पीछे बैठना है, एक सीट छोड़ के एक पीछे बैठना है, यानी ट्रायंगुलर सीट में अपन ने वो बैठ के दिखाया। जैसा एक आदमी यहाँ बैठा तो एक आदमी ऐसा 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 ट्रायंगल में बैठेगा, यानी वो सीधा पीछे में नहीं बैठेगा, ऐसा ट्रायंगल में बैठेगा। तो ऐसी सीट की व्यवस्था कर चुकी हम लोग, पूरी व्यवस्था तैयार हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, सब गाड़ी की तैयारी हो चुकी है। सिर्फ कमिश्नर साहब का, आयुक्त साहब का, महापौर साहब, अभी महापौर साहब ने एक गुरुवार या शनिवार को मीटिंग रखा है इसके इस विषय में। मधी फक्त त्या टायर ज्याचे टायर फक्त टायरमधून हवा गेलेला आहे, बॅटऱ्या उठऱ्या पूरं ओके आहे, सगळ्या बरोबर बसेस आहे, फक्त भंगार उंगार काय आहे। ज्या बसेस जैन आरोमच्या बसेस होत्या पुराण्या, ज्या आपल्या वंश नियम चालवत होत्या, स्टार बस चालवत होती, त्यातल्या काही काही जिथं 250 बस आहे त्यामधल्या 15 ते 20 बसेस खराब असतात, बाकी बस चांगले आहे। ज्या जेव्हापासून लॉकडाऊन सुरू हो तेव्हापासून तुकाराम मुंडे साहेब आयुक्त होते, त्यांना फॉलोअप केला, त्यांना फॉलोअप करून त्यांना कमसेकम 10 पत्र दिले की कमसेकम यांना 1/4 तरी पगार देण्यात यावा, जेणेकरून त्यांच्या घरची कमसेकम सकाळचं जेवण रात्री जेवण चालू राहील, त्यांना कमसेकम त्यांच्या मुलाबाळाचे व्यवसाय चालू, म्हणजे खाणंपिणं चालू राहील। पण तुकाराम मुंडे साहेबांनी काही ऐकलं नाही। आता नवीन आयुक्त आले आहे, यांना उद्या पत्र देणार मी यांना की बघा काही कमीत कमी 6 महिन्याच्या अर्धा नाही 1/4 पेमेंट देऊन द्या। नागरिकों की हो रही असुविधा को देखते हुए आपली बस सेवा शुरू करना चाहिए। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की भी जरूरी है, इसलिए आसन क्षमता 50% यात्रियों को बैठाने की शर्त पर बस सेवा बहाल करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इस विषय पर मनपा आयुक्त से भी चर्चा की जाएगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, एनबीसीएन न्यूज नागपुर।